जो जीते हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, हमने जीता है, नरेंद्र मोदी को नकारा गया है, चाहे बीमा भारती जीते या जो है पप्पू यादव जीते, तो हमने हमारी जीत हुई है। हमारी जीत हुई है, पप्पू यादव अभी तक तो नजर नहीं आए क्षेत्र में। नहीं, पप्पू यादव का समर्थन है, पप्पू यादव भी वोट मांग रहे हैं। एक चीज ऐसा नहीं लग रहा है, पप्पू यादव यहाँ ज्यादा मजबूत है तेजस्वी यादव से? देखिए, पप्पू यादव ज्यादा मजबूत हैं। एक सीट पर जीत जाने का मतलब यह नहीं होता है। तेजस्वी यादव आ रहे हैं और अंत भला तो सब भला, जनता पूरे की पूरे तेजस्वी यादव के साथ होंगे और बीमा भारती बहुत वोट से। चिराग पासवान और मांझी जी तो दलित को कह दिए हैं कि इधर उधर नहीं जाना है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के राजद के तमाम नेता जो है अपना जी जान लगाए हुए हैं। एक तरफ एनडीए के नेता भी जो है लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं वो भी घूम रहे हैं, लेकिन किसके तरफ जनता जाएगी? एक तरफ नीतीश कुमार और उनके जो एनडीए के नेता हैं वो कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग जो है सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ राजद के एमएलसी हैं उर्मिला ठाकुर, उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहती है इसको लेकर, क्या कहिएगा रुपौली विधानसभा में चुनाव को लेकर के? सबसे पहले रुपौली विधानसभा की जनता काफी जागरूक है और बीमा भारती बहुत वोटों से जनता मालिक जिताने के लिए जा रही है। बीमा भारती जी ही रुपौली विधानसभा से जीते, लेकिन यहाँ की जनता तो है लोकसभा में उन्हें नकार दी थी, लग रहा है इस बार। देखिए, लोकसभा में अगर नकारा होता, जो जीते हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, हमने जीता है, नरेंद्र मोदी को नकारा गया है, यहाँ की जनता ने नरेंद्र मोदी को नकारने का काम किया, हम लोगों को तो जिताने का काम किया, चाहे बीमा भारती जीते या जो है पप्पू यादव जीते, तो हमने हमारी जीत हुई है। हमारी जीत हुई है, पप्पू यादव अभी तक तो नजर नहीं आए क्षेत्र में। नहीं, पप्पू यादव का समर्थन है, पप्पू यादव भी वोट मांग रहे हैं, आपको नजर नहीं आए इसका मतलब यह नहीं है कि पप्पू यादव वोट नहीं मांग रहे हैं, पप्पू यादव और उनके लोग हमारे गठबंधन में, पप्पू यादव जी हैं इंडिया गठबंधन में है, इसलिए सारे लोगों के इंडिया गठबंधन के साथ है और इंडिया गठबंधन से जो रुपौली विधानसभा से बीमा भारती है उनको पप्पू यादव का भी समर्थन मिल रहा है। एनडीए के नेता कह रहे सारे अपराधी एक साथ हो गए हैं, कुछ नहीं हो, सारे अपराधी एक साथ हो गए हैं। अपराधी तो वहाँ है, आप जब प्रधानमंत्री जाते हैं महाराष्ट्र, बोलते हैं अजीत पवार के बारे में 70,000 करोड़ का दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया है और उनके साथ मिल गया तो राजा हरिश्चंद्र हो गया, पद भी मिल गया, तो सारे घोटालेबाज वहाँ है, विजय माल्या, मेहर अली चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, सारे घोटालेबाज देश का जो है बीजेपी में बैठा हुआ है। तेजस्वी यादव आखिरी समय में आ रहे हैं, इससे पहले नीतीश कुमार आ चुके हैं एनडीए के लिए वोट मांगने, चिराग पासवान आ चुके हैं, मांझी जी आ चुके हैं, सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम वो आ चुके हैं, तो लग रहा है तेजस्वी यादव का प्रभाव पड़ेगा उन लोगों के साथ? बिल्कुल, तेजस्वी यादव का प्रभाव सिर्फ बिहार ही नहीं, देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं कि 17 महीना में यह 34 साल का युवक ने 17 महीना में 55 लाख नौकरी देने का काम किए, एक एक दिन में 1,20,000 जो है नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया, तो देश में ही नहीं दुनिया का पहला व्यक्ति तेजस्वी प्रसाद यादव है जिन्होंने लोगों को जो कहे वो करके दिखाने का काम किया, इसलिए तेजस्वी यादव आ रहे हैं और अंत भला तो सब भला, जनता पूरे की पूरे तेजस्वी यादव के साथ होंगे और बीमा भारती बहुत वोट से। चिराग पासवान और मांझी जी तो दलित को कह दिए हैं कि इधर उधर नहीं जाना है, ये लोग जो है भड़काने वाले हैं, भटकाने वाले हैं। तो उनको बोलिए ना, चिराग पासवान जी को, चिराग पासवान जी से पूछिए कि जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जातिगत गणना करके 75% जो है आरक्षण देने का काम किए, तो उस आरक्षण के तहत यही बोले थे चिराग पासवान जी, जो सबर जो मजबूत हो गए हैं उनको आरक्षण नहीं मिला, उनको आरक्षित सीट से लड़ना नहीं चाहिए, और आरक्षण के सवाल पर आज आप नरेंद्र मोदी को कहिए कि नवीं अनुसूची में जो है जितना 75% आरक्षण था उसको शामिल करके, तब समझेंगे चिराग का। और जो मांझी जी बोल रहे हैं, मांझी जी को कहिए कि पूरे देश लेवल पर जातिगत गणना करा दे ताकि पता चले कि लोगों को जिसका जितना भागीदारी उसकी उतनी मिलेगी हिस्सेदारी, इसलिए ये लोग जो बोलते हैं लोगों की ये सब जुमलेबाजी, उन लोग को कहीं कुछ चलता नहीं है, ऐसी बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बोलते हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है पप्पू यादव यहाँ ज्यादा मजबूत है तेजस्वी यादव से? देखिए, पप्पू यादव ज्यादा मजबूत है,
ये बात मैं नहीं कह सकती। एक सीट पर जीत जाने का मतलब यह नहीं होता है। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव सारे हम लोग एक हैं, इसलिए वो लोग बांटने करके इस तरह से फूट डालो शासन करे की जो बात कर रहे हैं वो उनका जो है जनता सुनने वाली नहीं है। जनता नहीं सुनेगी, नहीं सुनेगी। यहाँ तय है, एकदम तय है एकदम। बीमा भारती जो है से जीतेगी, बहुत वोट से जीतेगी। तो आपने सुना उर्मिला रहने वाले लोग तो वो है, काम तमाम हम के हैं, चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी, सिर्फ वो अपनी बातों को रखते हैं और कुछ दलित के लिए नहीं करते हैं। जो बात कहते हैं उस बात से ही वो इनकार कर देते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसके लिए जनता अभी से ही तैयारी कर रही है। अमरेश कुमार, लाइव बिहार, रुपोली।